चलो अभी हम एग्जांपल लेते हैं हेयर कलर का, बरोबर? थ्योरी समझो पहले। तो आपने लिखा है स्टार कलर सर्कल, लिखा है ना सबने, ये कौन सा कलर है? ब्लू। अभी हमें ब्लू कलर करना है तो हम क्या करेंगे, पहले प्री लाइट करेंगे, ठीक है? प्री लाइट करने के लिए प्रोसेस क्या है, पहले प्योरीफाई शैम्पू लगाएंगे। प्योरीफाई शैम्पू बहुत इंपॉर्टेंट है क्यूटिकल ओपन करने के लिए, ठीक है? चलो पहली बार में हम क्या करेंगे, 1:1 प्री लाइट करेंगे, ठीक है? उसके बाद लिफ्टिंग कहां तक लेके जाएंगे हम, 9-10 तक, ठीक है? 10 तक लिफ्टिंग करेंगे तो ही ब्लू कलर आएगा। अभी आप एक गलती कर सकते हो, वहां आप प्री लाइट करते करते एक गलती हो गई आपसे, आपको 10 तक लिफ्टिंग करनी थी और आपने की 8 या 9 तक, 7-8-9 तक इनके बीच में की, तो उसमें कलर कौन सा है, कलर कौन सा रहेगा 7-8 की लिफ्टिंग में, येलो। अभी आपको एक बात समझनी है, प्राइमरी कलर और कॉम्प्लेमेंट्री कलर, ये पता है ना? अभी तो पता चला ना आपको, मैंने जब पढ़ाया था। देखो गाइस, आप लोग गलती कहां करते हो कलर करते समय, ये गलती इनको मैं समझाने वाला हूँ, इनके बदले में आप भी सीखे। वीडियो पर अंत तक बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर रहे, और हमारी एकेडमी है महाराष्ट्र नंदुरबार, अगर किसी को आना है तो आप आ सकते हो। चलो हम कहां थे, ब्लू कलर करना है हमें, ठीक है? अगर हमें ब्लू कलर करना है और हम लिफ्टिंग 10 तक करेंगे तो ही होने वाला है। अगर 10 तक लिफ्टिंग नहीं हुई तो यहाँ पर लिखा क्या है, येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ग्रीन। वो कलर ग्रीन बन जाएगा, आपको करना था ब्लू कलर, लेकिन ग्रीन क्यों बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने येलो से ब्लू को मिक्स किया, क्या किया, येलो को ब्लू से मिक्स किया। अभी आप सोचेंगे हमने तो येलो कलर लगाया नहीं, तो ऑलरेडी येलो टोन है। अगर आप 10 तक लिफ्टिंग बढ़ाते हो पर्पल शैम्पू वगैरह लगा के, तो कलर बनेगा, फिर रिजल्ट मिलना है। आप लोग गलती क्या कर सकते हो, और गलती करते भी होगी हमारे व्यूअर्स, वो क्या करते होंगे पता है, अगर उनको कोई रेड कलर करना है, ठीक है, रेड कलर करना है, तब भी गलती क्या होती है, मिक्सिंग में या तो लिफ्टिंग में, क्या हो सकता है, मिक्सिंग में या तो लिफ्टिंग में, लिफ्टिंग में ऐसे हो सकते। देखो पहली बात, कोई भी कलर कर रहे हो, कोई भी केमिकल, तो आपको प्योरीफाई शैम्पू यूज करना। प्योरीफाई शैम्पू क्यों, क्योंकि क्यूटिकल ओपन होते हैं, उसके टोन तक जाना चाहिए, लेयर है, तीन लेयर होती है, ब्लू कलर, रेड कलर और येलो, इतनी टोन होती है, तीन टोन बालों की, बराबर? तो ये टोन को खत्म करना पड़ता है। अगर वो टोन प्योरीफाई शैम्पू लगाते हो तो क्यूटिकल ओपन हो जाती है। चलो तो हमें ब्लू कलर करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फिर लिफ्टिंग को 10 तक बढ़ाना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा पहली बार में 1:1, अगर जाड़े बाल है आपको चेक करना है पहले, तो केमिकल बाल है तो, और एक बात ध्यान में रखनी है, प्योरीफाई शैम्पू करते समय, शायद मैंने आपको नहीं बताया है, अगर केमिकल के बाल है तो प्योरीफाई शैम्पू 2 बार इमल्सिफाई करना है, कितनी बार, 2 बार। अगर वर्जन बाल है तो 3 बार करना है, क्या बोला मैंने, 3 बार धोना है, 3 बार इमल्सिफाई करके धोना है, ये बात ध्यान में रखना है कोई भी केमिकल करते समय, समझ गए? हाँ, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 10 तक लिफ्टिंग करने के लिए पहली बार प्री लाइट करेंगे, पहली बार में शायद ना हो, पहली बार में होता ही नहीं, पहली बार, दूसरी बार फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 8-9 तक लिफ्टिंग गई, उसके बाद आपको एक चीज अप्लाई करनी है, वो क्या है, जोर से बोलो, पर्पल शैम्पू। आप लोग गलती क्या कर सकते हो, अभी मुझे आप एक बात बताओ, कलर करने के लिए क्या इंग्रेडिएंट लगने वाले, आपने बताया, देखो पहली बार गाइस आप भी ध्यान दो, पहले कौन सी चीज लगने वाली है, प्योरीफाई शैम्पू, कलर करने के लिए बोल रहा हूँ, पहले प्योरीफाई शैम्पू, उसके बाद ब्लॉन्डर, तीसरा है डेवलपर, चौथा है पर्पल शैम्पू, पांचवा है कलर ट्यूब, कोई भी कलर ट्यूब, समझ गए, और चौथा है सावा है, कौन सा है, पर्पल शैम्पू, क्या है, सिल्वर फॉइल पेपर, सॉरी फॉइल पेपर, और सातवें नंबर पर है ब्रश, कॉम और बाउल, समझ गए, ये 7 चीजें आपको लगने वाली है कलर करने के लिए। अभी एक बात का ध्यान रखना, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, अगर 10 तक लिफ्टिंग नहीं हुई तो क्या होगा, कलर नहीं होगा, ठीक है? वैसे ही टोन मैंने बोला, पहले रेड आएगा, सॉरी ब्लू, रेड एंड येलो, बालों की टोन, इसको खत्म करने के बाद ही कोई भी कलर कट हो सकता है।